तो गाइस सबसे पहले हम हैवेल्स को रिव्यू करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये हैवेल्स विंडस्टॉर्म फराडा जो कि 500 mm है, 145 वाट है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका मिस्टर इनोवेशन एक्स में। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो पेडिस्टल फैन जो कि मार्केट में बहुत अच्छा है। एक है हैवेल्स का विंडस्टॉर्म फराडा और दूसरा है उषा का फराडा ई एग। तो इन दोनों फैन हम रिव्यू करने वाला हूँ, इसका क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले हम हैवेल्स को रिव्यू करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये हैवेल्स विंडस्टॉर्म फराडा जो कि 500 mm है, 145 वाट है और 1400 RPM है। 3-step स्पीड कंट्रोलर है, 220 वोल्ट है, 100% कॉपर कॉयल है और इसका डिजाइन आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। 2 साल यूज करने के बाद इसका पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, इसका पेंट इतना अच्छा है, हल्का सा शेड हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इसका जो जाली है, ये जाली में निकलिंग किया हुआ है, कोई पेंट नहीं है, निकलिंग किया है जो कि बहुत अच्छा है और इसका बेस का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। चाहे तो आप ये कंसीडर कर सकते हो, जो लोग सिटी में रहता है और जो लोग गांव में रहता है वो लोग भी ले सकते हैं, लेकिन जिसके पास वहाँ आप वोल्टेज अच्छा हो वो लोग आप हैवेल्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि सिटी में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, सिटी में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन जब गांव में वोल्टेज ड्रॉप होता है तब ये थोड़ा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। और ये है हमारे पास है उषा EX फराडा 500 mm है। ये नीचे का लोहे का बेस है और इसका जाली में पेंट किया है। ये 1400 RPM है, 160 वाट है, 220 वोल्ट में ये भी ऑपरेट होता है। 3-step स्पीड कंट्रोलर है, 100% कॉपर कॉयल है। इसका जाली के ऊपर पेंट किया है, उसमें निकल किया है, इसमें पेंट किया है। इसमें थोड़ा पेंट का थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि 2 साल बाद ये पेंट फूलने लगा है, इसलिए इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। उषा वालों को थोड़ा देखना चाहिए ये कैसे सही होता है। और इसका जो बेस है ये भी लोहे का है, दोनों का डिजाइन लगभग सिमिलर है, लेकिन इसका बेस का डिजाइन थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है और जो लोगों के पास आज वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम है वो लोग उषा के साथ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उषा लो वोल्ट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों का एडवांटेज बता रहे हैं। इसका एडवांटेज है ये बहुत पावर कम खाते हैं, आपका इलेक्ट्रिक का बिल बहुत कम आएगा और इसका ड्यूटी भी ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा दिक्कत वाला बात है नहीं। हालांकि ये भी ड्यूटी कर लेगा, लेकिन जिसके पास वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम है वो उषा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज कम में ठीक ठाक से परफॉर्मेंस कर लेते हैं। और इसका इन दोनों का जो डिसएडवांटेज है, ये लो वोल्ट में अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, ज़्यादा वोल्टेज कम हो जाने से इसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। लेकिन ये वोल्टेज कम हो जाएगा तो ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस कर लेगा, क्योंकि आप जब भी पंखा खरीदेगा तो आपको हवा का तो ज़रूरत है, इसलिए आप आपको अच्छे वाला पंखा खरीदना चाहिए। तो इसलिए आपके हिसाब से आपके वहाँ वोल्टेज कैसा है उसी के हिसाब से आप किसी भी पंखा को कंसीडर कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एक है 150 वाट जो कि पूलर का है, वह पूलर का गेल स्टार्ट और उसका हम बाद में बता रहे हैं उसका क्या क्या फीचर है। सबसे पहले हम इन दोनों को बता रहे और इन दोनों का पेंट डिसएडवांटेज यहाँ पे है। इसका एडवांटेज है इसका पेंट ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ 2 साल यूज़ करने के बाद, लेकिन इसका पेंट थोड़ा ऊपर से भाग गया उठ के, क्योंकि ये ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। लगभग 1 महीने बाद इसको सफाई करेगा तो इसका पेंट अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा देर में सफाई करेगा तो चलेगा। लेकिन सफाई सब में करना ही चाहिए, वरना इसमें रस्ट आ जाएगा दोनों पे, इसमें ज़्यादा रस्ट आ गया इसमें कम। तो गाइस इन दो फैन में आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस इन दो फैनों के बीच में एक फैन है जो कि 150 वाट का है, वो भी बहुत अच्छा है, ये पूलर का है, पूलर का गेल स्टार फराडा 500 mm, उसका फीचर हम बता रहे हैं। उसका 1400 RPM है, 150 वाट है, 500 mm है,
थ्री स्टेप स्पीड कंट्रोलर है, 100% कॉपर कॉयल है। चाहे तो आप उसके साथ जा सकते हैं जिसका आप वोल्टेज एवरेज रहता है, वो कूलर के साथ कंसिडर कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा फ़ैन है, लगभग एक महीने पहले हम एक तो फ़ैन बिका था, वो भी ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे। अगर वो मेरे पास अवेलेबल होता तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाता। गाइस हम इन दो फैनों को पास से इसका फिजिकल ओवरव्यू दिखाता है। आप लोग देख पा रहे हो इसका पेंट कितना अच्छा दिख रहा है और नीचे का डिजाइन भी बहुत अच्छा है, और पीछे का भी ओवरव्यू थोड़ा दिखा देते हैं। यह है इसका नेम प्लेट का स्टिकर, यह है थ्री स्टेप स्पीड कंट्रोलर, आप देख पा रहे हो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और हमारे पास जो है उषा, ये भी 2 साल यूज़ किया है, इसका पेंट वगैरह यहाँ से ये भाग गया, देख पा रहे हो। इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा हिसाब से जो बेस का डिजाइन है वो हैवेल्स का बहुत अच्छा है। आप देख पा रहे हो इसका पेंट चला गया, क्योंकि इसमें पेंट किया है और हैवेल्स में तो अभी निकल हेल करके आ रहा है, पेंट नहीं रहता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फिजिकल ओवरव्यू दिखा दिया, दोनों को ही बहुत अच्छा दिख रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, दोनों में है 90 MQ पर मिनट हवा डिलीवर होता है, एयर डिलीवर होता है। तो आप चाहे तो इन दोनों में कोई भी एक ले सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनी है। जो लोग सिटी में रहते हैं वो लोग हैवेल्स सूर्या वी गार्ड के साथ जा सकते हैं, और जिसके वोल्टेज अच्छा है वो लोग किसी भी फैन के साथ जा सकते हैं, और जिन लोगों के पास वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम है वो लोग उषा ओरिएंट एंड बजाज के साथ जा सकते हैं। बजाज भी मेरे पास है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि जब वोल्टेज कम होता है तब अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, हैवेल्स का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उषा या फिर बजाज आज ये ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप लोग जब भी फैन खरीदने जाए तो अपने ज़रूरत के अनुसार आपके वहाँ वोल्टेज कैसा है ये सब आप कुछ इंक्वायरी करके तब जाके फैन खरीदना। वोल्टेज अच्छा है तो आप हैवेल्स सूर्या ही गार्ड के साथ जा सकते हैं, और वोल्टेज थोड़ा कम रहता है तो उषा ओरिएंट एंड बजाज के साथ जा सकते हैं। और इसका इन दोनों के बीच में एक तो फैन है जो मैं बताया वीडियो में दिखाया, पोलार गेल स्टार 500 mm, वो भी बहुत अच्छा है। ये पावर कंज्यूम इन दोनों को बीच में है, वो 150 W है, ये 160 W है, ये 145 है, तो आप कंसीडर कर सकते हो किस में जाएगा। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा, और इन दोनों फैन के रिव्यू के जो तो आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोगों को कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहना, आबाद रहना, बाय बाय, टेक केयर एंड टिल देन।